So Redmi K20 Pro is not only a very beautiful looking device, but at the same time, it has a very good build quality. Not even the Redmi K20 Pro, but also the Redmi K20. यहाँ पे ना ही सिर्फ आपको बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और एक गुड लुकिंग डिवाइस मिलता है, बल्कि यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू हैव अ 48 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा स्लॉट. एंड मोर इवन, इट इज़ द हाइएस्ट स्कोरिंग एंड्रॉइड बेंचमार्क स्कोर फोन. और साथ ही साथ में एमोलेड स्क्रीन की वजह से इसके अंदर गेमिंग तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है. दोस्तों, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन मेरी आँख खुली तब जब यहाँ पे एक वीडियो देखी जहाँ पे देवर क्लेमिंग कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. जी हाँ दोस्तों, रेडमी के 20 प्रो में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे निकाली गई थी, वो थी स्क्रीन का, मतलब कि मल्टी टच जिटरिंग इशू. वो इशू क्या था वो तो अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूं, हमारे चैनल पे चल रहा है रेडमी के 20 प्रो का गिव अवे. अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया सो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट. तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टेस्ट किसी ने परफॉर्म किया था, ये किया था एंटूटू बेंचमार्क में. यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे लेफ्ट में है रेडमी के 20 प्रो, बीच में पोको F1 और सबसे राइट में है रेडमी के 20. तो आप जब एंटूटू बेंचमार्क में जाते हैं तो यहाँ पे उसके होम पेज में यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक फीचर टेस्ट. यहाँ पे सबसे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपको मल्टी टच टेस्ट देखने को मिल आपको जाता है. तो यहाँ पे देखिए, जब आप तीन जो है फिंगर्स को एक साथ आप टच करें तो आप देखेंगे कि जो मेरा 1 और 2 फिंगर है, जो रेड और ब्लू वाला फिंगर है, वो एकदम से हिलता है जब भी मैं ग्रीन वाले फिंगर को अपना हिलाऊंगा. ये एक्चुअल में हिलना नहीं चाहिए, लेकिन जब मैं यही काम पोको पे करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा रेड एंड ब्लू बिल्कुल भी नहीं हिलता है अगर मैं ग्रीन वाले फिंगर को मैं हिलाता हूँ. लेकिन यही काम अगर आप K20 में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी सेम इशू था. तो दोस्तों, बेसिकली मैं बहुत ही ज़्यादा शौक में था कि आखिरकार इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करके फ़ोन पे अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम मिले तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है. इसके साथ ही साथ में लोग ये कह रहे थे पबजी खेलने में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होगी. हालांकि मैंने जब पबजी खेला था मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई थी. इसी के जस्ट बाद एक न्यूज़ आई कि भाई यूरोप में शाओमी ने एक अपडेट दिया जिसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू को एड्रेस किया है और ये वाला इशू उन्होंने काफ़ी हद तक की रिजॉल्व कर दिया है. लेकिन दोस्तों, वहां पर भी उसने बोला था कि ये 100% रिजॉल्व नहीं हुआ है, लेकिन काफी हद तक की ये चीज हो चुकी थी कम. ये अपडेट का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं. इसके बाद दोस्तों, मुझे एक और बात यहाँ पे पता चली कि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ी सी कम हो जाती है एक काम करने से. तो आप देख सकते हैं बीच में Redmi K20 Pro और सबसे यहाँ पे राइट में है Realme X और यहाँ पे सबसे लेफ्ट में है, आपको देखने को मिल जाएगा Redmi Note 7 Pro. ठीक है, तो Redmi Note 7 Pro में है LCD पैनल और बाकी दोनों डिवाइस में AMOLED पैनल. तो देखिए, पहले यहाँ पे जो K20 है, आप देख सकते हैं कि ये अभी भी उसमें ये सेम प्रॉब्लम है. लेकिन आपने एक चीज़ गौर नहीं करी, मैंने पीछे जो लगा रखा है कवर, और यहाँ पे Realme X में भी भाई कवर है लगा हुआ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको सेम प्रॉब्लम मिलती है कि नहीं. तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सेम जो है प्रॉब्लम है. आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं ग्रीन वाली फिंगर को ब्लू और रेड के पास में लेके जाता हूँ तो वो वहाँ पे जिटरिंग कर रही हैं. अभी अगर यही चीज़ मैं आपको Redmi Note 7 Pro में दिखाऊं तो आप देखेंगे बिल्कुल भी ये प्रॉब्लम नहीं होती है. लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मुझे पता चली थी जिससे ये प्रॉब्लम कम हो सकती है, वो चीज़ क्या थी वो मैं अब आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा. दोस्तों देखिए, जो फ़ोन का फ्रेम होता है ना, जब मैं उसको टच कर लूँगा और उसके बाद मैं ये चीज़ अपनी ग्रीन वाली फिंगर को हिला करके मैं ब्लू और रेड के पास लेकर जाऊँगा तो ये बिल्कुल नहीं हिलेगा. देखिए, जैसे ही मैंने हटाया वैसे ही ये हिलेगा, जैसे ही मैं फ्रेम को टच करूंगा तो बिल्कुल नहीं लेगा. कहने का मतलब ये था कि अगर आप कवर को लगा करके अगर आप खेलेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी, अगर आप हटा देंगे तो नहीं होगी. यहाँ पे भी देखिए, अभी मैंने फ्रेम को नहीं टच किया तो देखिए भी प्रॉब्लम हो रही है. जैसे मैंने फ्रेम को टच किया बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है K20 में. तो अब कहने का मतलब ये था कि अगर आप कवर को हटा करके पबजी वगैरह खेलेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन दोस्तों, मैं अगर बताऊं तो मैंने इतने सारे गेम प्ले डाल दिए, बहुत सारी चीज़ें डाल दी, आप लोगों को मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से भी मैंने करके मैंने गेम दिखा दिया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो वो वीडियो मेरी जाके जरा चेक करिएगा, वहाँ पर कहीं भी आपको कोई भी जिटरिंग का इशू या लगा मुझे तो अभी तक की मैंने फील नहीं किया. पता नहीं लोग ये क्यों बोल रहे हैं. इसके बाद दोस्तों, एक और यहाँ पे बात जानने को मिली कि ये भाई महंगे से महंगे फ़ोन में भी ये प्रॉब्लम हो रही है जिसमें एमोलेड स्क्रीन. तो भाई मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ महंगे से महंगे फ़ोन को टेस्ट किया जाए. तो आप देख सकते हैं हुआवे का फ़ोन है, सबसे महंगा फ़ोन हुआवे का, जो कि 70,000 का है. रेडमी के 20 है, आसूस भी है और वन प्लस 7 भी है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हुआवे के फ़ोन में हम चेक कर रहे हैं तो आप देखिए, जब मैं यहाँ पे ग्रीन वाली फिंगर को हिला रहा हूँ तो ये ब्लू वाली फिंगर हिल रही है. तो आप देख सकते हैं कि हुआवे में भी एमोलेड स्क्रीन दिया हुआ है तो उसमें आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है. इसके बाद K20 Pro, तो भाई उसमें तो प्रॉब्लम है ही है, ये तो आप देख ही सकते हैं. उसके बाद वन प्लस 7, भाई वो तो इसका कॉम्पिटिटर है तो उसको तो टेस्ट करना बनता ही है. तो ये देखिए, ये है वन प्लस 7
और यहाँ पर भी जैसे ही हम इसको मूव करते हैं ग्रीन वाली फिंगर को, तो आप देख सकते हैं भाई यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई यही चीज़ था। तो मेरा ये मानना है कि भाई इतनी बेहतरीन स्क्रीन मिलती है, उसके साथ ही साथ में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है जो कि इतना ज़्यादा वाइब्रेंट है, तो ये इशू मुझे कोई इशू या नहीं लगा, क्योंकि पबजी के गेम प्ले में मैंने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि मुझे टारगेट को एम करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही थी। सो दोस्तों आई होप कि अब आप लोग कन्विंस हो चुके होंगे कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ना, ये फालतू में क्रिएट की गई प्रॉब्लम है, ये केवल रेडमी के 20 या रेडमी के 20 प्रो की प्रॉब्लम नहीं है। ये आप कोई भी एमोलेड स्क्रीन वाला फ़ोन लेंगे तो उसमें ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है भी नहीं, पबजी खेलते हुए मुझे कभी भी ऐसा कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई। तो भाई अगर पसंद आई हो ना तो लाइक देना भूलिएगा नहीं, और साथ ही साथ में मुझे मोटिवेट करने के लिए अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप इंस्टा सारी जगहों पे, और साथ ही साथ में रेडमी के 20 प्रो वाली गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों डेट वॉज ऑल फ्रॉम द गिकी मॉन्ग, थैंक यू।